मून इमेजेस जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज किए गए हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस होता है कंसिस्टेंट मेहनत स्ट्रगल हार्डवर्क का नतीजा। लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। बात करें रशिया की चीन की अमेरिका की उन्होंने अब तक साउथ पोल को सर्च नहीं किया तो इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने नाम किया है। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। चंद्रयान 3 जो है इंडिया आजाद हुआ 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं ये दो मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चांद पे जा रहा है दूसरा मुल्क जेड़ा वो अपने वज़ीर-ए-आज़म नू अंदर करने है। तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 जो मून के ऑर्बिट में घुस चुका है और काफ़ी सफलतापूर्वक आगे भी जा रहा है। कुछ दिन में ही 10 से 15 दिनों के अंदर वो मून पे पूरी तरह से लैंड हो जाएगा और ये काफ़ी इंडिया के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। वहाँ से कुछ इसरो ने अब फोटो भी यहाँ इमेजेस क्लिक करके पब्लिश की है और अभी तक बात करें तो सिर्फ नासा ने अभी तक जितने भी वहाँ की फ़ोटो हो रही थी वो नासा ने कहीं भी करते थे अपलोड, पर इस बार इसरो ने अपनी तरफ से इस फोटो को यहाँ पर दुनिया के लिए दिखाया है और दुनिया उससे काफ़ी हैरान है कि इंडिया इतनी कम लागत में कैसे पहुंच गया। यहाँ बात करें मून पे तो और मून पे पहुंचा ही नहीं है इंडिया, जहाँ नहीं कोई जा पा रहा था नॉर्थ की तरफ वहाँ भी इंडिया अब गया है और वहाँ से इमेजेस क्लिक करके पोस्ट की हैं। तो ये काफ़ी अच्छे बड़ी खबर है इंडिया के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। एंटर्स लूनर ऑर्बिट, ये तो खबर अपनी जगह पर है और बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीख कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता, जब कामयाब होगा जब ऑर्बिट में एंटर होगा फिर जब रोवर लैंड करेगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज किए गए हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। जाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात के इसका एंगल एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के वो नासा की तरफ से रिलीज होते थे, हम देखते थे। उनकी भाई बहनें हैं उनको मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी बिकॉज उनकी अचीवमेंट इतने ज्यादा है कि वो आज प्राउड फील करते होंगे हम इंडियंस हैं। तो आप लोगों जैसे वीडियो में देख रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग कैसे इसरो की तारीफ कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अगर इसरो इतना कर सकता है तो हमारा जो स्पार्को है वो क्यों नहीं इतनी तरक्की कर रहा है। तो स्पार्को में सारे हेड हुई वैसे ही हैं। उनके एक मंत्री से पूछा गया कि आप कैसे अगर मून पे जाना चाहेंगे, इंडिया तो मून पे जा चुका है, तो उनका ये कहना था कि इंडिया जाके वहाँ पैसे ही वेस्ट कर रहा है, मून तो हमको आँख से ही अपने देखने को मिल रहा है, दिखता तो है मून तो उस पे जाना क्या है। तो ये है वहाँ की सोच। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी अगर ये सोच है तो क्या कर सकते हैं, अभी वो सिर्फ बारूद और बंदूक में ही करते हैं और उसी में वो लड़के मर जाएंगे। तो यही है इस वीडियो में। अगर आइए आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी वीडियो को देखिए। को इंडिया आज़ाद हुआ 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं ये दो मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चांद पे जा रहा है दूसरा मुल्क जड़ा वो अपने वज़ीर-ए-आज़म नू अंदर करने है। लैंड करने के बाद वो 6 पहियों वाली गाड़ी बाहर निकली है और वो स्लोली स्लोली मून की सरफेस पे चल रही है। वो क्वेश्चन तो फिर यही आता है ना यार, उनका भी डीएनए सेम है, हमारा डीएनए भी सेम है,
ਉਹੀ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੇ ਹਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੇ ਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਹਮ ਜਨਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਟੇਬਲਸ ਪੇ ਬੈਠੇਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਪ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਤੋ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਪਾਂਚਵੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣ ਗਈ, ਚਾਂਦ ਪੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੇਂਗੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਜਬ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਪੇ ਬੈਠੇਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਟੇਬਲ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ इंडिया को सारे मुबारकबाद दे रहे होंगे, तो देन द इमेज यहां से फिर यहां पे चला जाएगा। पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जो कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मैं दुआ करता हूं काश मैं इंडिया में पैदा होता। 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी और जो लूनर का जो जेल मिशन और हमारे पड़ोसी मुल्क का चांद मिशन कामयाब हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ वही तो बेटे, वो मुहब्बे वतन कौम है, वो मुहब्बे वतन है हिंदू। सर इंडिया ने चांद मिशन लॉन्च किया तो हमारे फवाद चौधरी कहते हैं कि चांद को नीचे से देख सकते हैं तो ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है? ये इस तरह के जब हमारे पास साइंटिस्ट होंगे, साइंसदान होंगे, तो क्या डेवलपमेंट होगी? बात ये है कि एक बंदे का फील्ड ही नहीं है, अब उस बंदे को वो एडवोकेट है, लायर है वो, ठीक है, उसका तो साइंस और टेक्नोलॉजी उसका फील्ड ही नहीं है। जाएंगे सर, टैलेंट किसके पास ज़्यादा, हमारे पास या फिर इंडिया के पास? देखें ये टैलेंट हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है सर, वो टैलेंट इसकी डायरेक्शन नहीं है, इस टैलेंट की डायरेक्शन नहीं है असल में। अगर हम में टैलेंट बहुत ज़्यादा होता तो चलो पाकिस्तान में डायरेक्शन नहीं है, बाहरी कंट्री में तो होती। अगर आप अमेरिका देखेंगे, अमेरिका की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ साहब देखेंगे तो इंडियन है, वाई इंडियन। दोस्तों इस वीडियो में यही था कि पाकिस्तान कैसे इतना पीछे रह गया और हमारे इंडियन एजेंसी हर फील्ड में इतनी आगे कैसे निकल गई, और इसी से इसरो भी एक बड़ा उदाहरण है इसमें हमारे लिए। बात करें तो इसरो ने ये चंद्रयान 3 सबसे कम लागत में लॉन्च भी किया है और सक्सेसफुली अब वो लैंड भी हो जाएगा। तो यही हर्डल था पिछली बार जहाँ वो नहीं, उसके बाद दिशाहीन हो गया था वो, तो इस बार तो अभी संपर्क में है और काफ़ी सक्सेसफुली लग रहा है कि लैंड भी हो जाएगा। तो अगर लैंड हो जाता है तो इंडिया काफ़ी सबसे कम बजट में और भेजने वाले मून पे सबसे बढ़िया क्वालिटी के बना देगा यहाँ सेटेलाइट, तो ये काफ़ी इंडिया के लिए बड़ी खबर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर ऐसे पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड और आपको रिएक्शन जानने देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और आपका क्या मानना है चंद्रयान 3 के बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।